पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम चर्चा करेंगे कल होने वाले वोटिंग पर। कल 8 सीट पर वोटिंग होने जा रहा है, महाभारत 2024 में हम लोग आज चर्चा करेंगे। राजपूत वर्सेस यादव या मुस्लिम वर्सेस बिहार नहीं, इस बार है विजय तय करेंगे ब्राह्मण मल्ला और कुशवाहा। एकदम लिख लीजिए, इस बार वो यादव और मुस्लिम और राजपूत और भूमिहार नहीं, इस बार ब्राह्मण मल्लाह और कुशवाहा की तय करेंगे। इन 8 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हम इस चीज की चर्चा करेंगे। हमारे बगल में बैठे हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी से हम बात करेंगे एक एक सीट वाइज, और नक्सल में यही से पूछेंगे जो आखिर किन सीटों पर किसका पलड़ा भारी अभी दिख रहा है। आज तक जैसे क्यामत की रात आज है, आज चौक चौरा है, चौपाल, मुखिया जी के दलान, गांव के दलान, मुखिया पे सब जगह चर्चा हो रही होगी। जिन जिन इलाकों में वोट पड़ रहा होगा, गहमा गहमी होगी बाजार में, गहमा गहमी होगी। एक तरह से हम भी बात करते हैं, हम भी आलोक जी के साथ गहमा गहमी चौक चौराहे जैसा बातचीत कर लेते हैं। आलोक जी स्टार्ट करते हैं पहले वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर में कहें जो एक तरह से दीपक यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं और जेडीयू से, आपके हिसाब से वहाँ क्या लग रहा है, जो वहाँ पे क्या क्या चल रहा है? देखिए, दीपक यादव पहले भाजपा में और भाजपा के नेता नहीं थे फाइनेंशियल, तो वहाँ ब्राह्मण वोट भी अच्छी खासी संख्या में है वाल्मीकि नगर में। तो उस सीट पे ये देखा जाए तो ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ है, और आरजेडी ने अपने परंपरागत कैंडिडेट को ही उतारा है, यादव कैंडिडेट है, कुशवाहा जेडीयू कैंडिडेट कुशवाहा है, तो सवर्ण प्लस कुशवाहा प्लस कुर्मी प्लस जो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक वहां गौर जाति के लोग हैं, थारू जाति के, मतलब कि कहीं आदिवासी समाज है, ये सब नीतीश कुमार के साथ है। तो और दीपक यादव धनवली है, व्यवसायी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति की कक्षा में नहीं है अभी, वो पहला दूसरा कक्षा के विद्यार्थी है, जो इसको एक शब्द कहते हैं राजनीति में उनका छठियार भी नहीं हुआ है, छठियार हो चुका है, हो चुका है, वो फाइनेंशियल के भी छठियार हो चुका है, लेकिन वही राजनीतिक पकड़ नहीं है। और जहां तक वहां मुस्लिम का वोटर का सवाल है, तो मुस्लिम वोटर जेडीयू के साथ भी, जहां जहां जेडीयू कंडिट होता है मुस्लिम वोटर जेडीयू को ही वोट करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ योगदान है, तालीमी मरकज खुलवाए हैं, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करके ये किए हैं, या भागलपुर दंगा के आरोपी को सजा दिलवाए हैं, ये सब करके मुस्लिम वोट अभी जेडीयू के साथ भी है, इसलिए वहां कुल मिलाकर अभी भी बैजनाथ प्रसाद महतो के पुत्र सुनील कुशवाहा जी का पलड़ा अभी भी भारी है, और दीपक यादव वहां टिक नहीं पा रहे हैं। मतलब ये तेजस्वी का ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया, नहीं काम कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव वहां किसी ब्राह्मण को टिकट दे देते ये सीट वो निकाल सकते। आपको लगता है आरजेडी कैंप से किसी ब्राह्मण को टिकट मिलेगा कभी जिंदगी में? यही तो दिक्कत है, यही तो A to Z का नारा उनका खाली मुंह से कहने के लिए हो जाता है। अब बात करते हैं आपसे बेतिया, बेतिया उसी की सटा हुआ है, बेतिया ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है, वहां से केदार पांडे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी सांसद रहे हैं, रघुनाथ झा भी वहां सांसद रहे हैं, दो बार प्रकाश झा भी खड़े हुए हैं 9 में 14 में। एक तरह से कहले जो वहां भी निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण ही होंगे, क्या लगता है आपको? लेकिन इधर कुछ जब 2009 के परिसीमन के बाद हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है, जो ब्राह्मणों के वर्चस्व वाला इलाका है वो मोतिहारी में अटैच हो गया है दो सीट। तो अच्छा, तो वहां अभी वैश्य वोट अच्छे खासी संख्या में है, संजय जायसवाल वैश्य से समाज से आते हैं, उनके उस सीट को उनका खानदानी सीट कही रहा है, उनके पिता मदन जो, जो मेरे पास फिगर है अरुण जी, मुस्लिम सवा 3 लाख, वैश्य 2.5 लाख, यादव 2.5 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख, कुशवाहा 2.5 लाख, ये और उसमें से वहां पे 1, 2, 3, 4 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पे आरजेडी का कब्जा है,
और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से 2009 में साधु यादव भी लड़ चुके हैं, साधु यादव भी इस सीट से लड़ चुके हैं, और कांग्रेस ने इस बार ब्राह्मण को टिकट दिया, तो ब्राह्मण को टिकट देना कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने प्रयोग किया है। पिछले बार भी शासक को टिकट दिए थे, कांग्रेस के पोता वहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो कांग्रेस तो ब्राह्मण को वहां दे ही रही है। ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या, लेकिन वहाँ 1,00,000 वोट कायस्थ वोट है, वो भी वहाँ निर्णायक होता है, और कायस्थ वोट जो है वो कहीं भी आंख मूंद के ही बटन दबाएगा, उसका बटन जो है वो कमल पे ही दबता है। एक चीज बताइए यादव जी, आपका जो वैश्य वहाँ बहुत निर्णायक भूमिका में, लेकिन जिस तरह से वैश्य को किक आउट किया गया बीजेपी से, सुनील कुमार पिंटू, रमा देवी और आरजेडी ने उस बॉल को कैच कर दिया ऋतु जायसवाल के रूप में, तो ये वैसे क्या टर्न अप होगा बीजेपी की तरफ? देखिए अभी भी वैसे के अगर सलमान नेता दिल्ली आता है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही आएंगे उनके सामने, बाकी ये ऋतु जायसवाल और जो भी वैसे नेता है रमा देवी, ये सब गाड़ी के चक्का का बोल्ट भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए वहाँ देखिए संजय जायसवाल सुलझे हुए छवि के व्यक्ति है, और उसी तरह जो मदन मोहन तिवारी हैं, उनकी छवि थोड़ी सी आपराधिक छवि भी रही है, तो वहाँ हमको नहीं लगता है कि मदन तिवारी को कर पाएंगे ज्यादा, मतलब वो मतलब छाप नहीं छोड़ पाए नहीं, और वहाँ तेजस्वी यादव का भी कोई ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है, और कांग्रेस के कोई बड़े नेता तो आए ही नहीं बिहार में, तो कोई नहीं आया, इसलिए खड़गे छोड़ के बाकी कोई इन बीच में स्टार्ट हुआ है नहीं, मैं एक चीज बता दूं कि कांग्रेस के नेता आते हैं और सदाकत आश्रम से पीसी करके लौट जाते हैं, क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। आपके हिसाब से इस चीज पे भी एनडीए भारी है? एनडीए की संजय जायसवाल कंफर्म ही, वाल्मीकि नगर में भी एनडीए भारी है। अब आते हैं मोतिहारी में, मोतिहारी में जो सिचुएशन है, दादा मोहन सिंह का ये एक गढ़ है, और वीआईपी से कोई टिकट मिली है राजेश कुशवाहा, डॉक्टर राजेश कुशवाहा, और कुशवाहा का को जो लेकर के पूरे बिहार में इन दिनों एक चर्चा है, गेम है, क्योंकि हमने अपना न्यूज में के हेडिंग में ही बता दिया कि कुशवाहा इस 8 सीट पर कुशवाहा भी निर्णायक भूमिका में है, चाहे वो सुनील कुशवाहा वहाँ, चाहे जेडीयू के लिए कहे राजेश कुशवाहा मोतिहारी के लिए। आपने आपने क्या रिसर्च किया है, सर्वे किया है मोतिहारी किया है? मोतिहारी में राधा मोहन सिंह को टिकट देना, इसलिए इस बार हो सकता है बीजेपी के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि मोदी राधा मोहन सिंह से जनता में बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि अब वो उम्र के पड़ाव पे इस नाते क्षेत्र में वो घूम नहीं पाते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का असर पूरी तरह से मोतिहारी में दिख रहा था, वहां से बीजेपी को किसी युवा चेहरे को राणा रणधीर सिंह या बहुत चेहरे थे वहां टिकट बदलना चाहिए था, तो इस नाते दूसरी बार राजेश कुशवाहा जो है वहां नए चेहरे के रूप में आरजेडी के नेता रहे, राजेश कुशवाहा आरजेडी में थे, टिकट भले उनको भी आया। अभी आप 2 मिनट पहले कह रहे थे जो बेतिया में संजय जायसवाल छोड़ दीजिए, वैश्य छोड़ दीजिए, लोग मोदी और अमित शाह, तो कैसे हम मान ले जो राजेश कुशवाहा कोई नया चेहरा है वहां भी लालू के रूप में उनको देख रहा होगा, गठबंधन की तरफ से खड़े हैं ये हम, मतलब मेरा कहना है अमित शाह और प्रधानमंत्री, मेरा कहना है कि मेरा कहना है कि राजेश कुशवाहा फ्रेश चेहरा है, नया चेहरा में फ्रेश चेहरा है, एक अच्छे डॉक्टर हैं, और उनके साथ कुशवाहा वोट है, यादव वोट है, प्लस मल्लाह वोट भी वहां अच्छी खासी संख्या में है, इन तीनों को मिलाकर वहाँ नेट टू नेट फाइट है, लड़ाई वहाँ कुछ भी हो सकता है, 10-20 हजार से भी जीत हार हो सकता है, और अभी तक वहाँ वो यही स्थिति है, कहा जा सकता है कि ये सीट भाजपा 2-4 हजार से जीत सकती है या 10 हजार से आरजेडी की सीट जीत सकती है, हार सकती है बीजेपी, मतलब यहाँ पर नेट टू नेट लिफ्ट है, नेट टू नेट फाइट, मतलब अभी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सीट बात करते हैं शिवहर, जो हॉट, जो अभी सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है, जहाँ की धनबल और बाहुबल दोनों का खेल चल रहा है, खेल अभी चल रहा है, वहाँ क्या लग रहा है शिवहर? तो ये राजपूत का क्षेत्र है, यहाँ राजपूत और वैश्य निर्णायक है, रमा देवी 3 बार MP रह चुकी है, तो घर रहा है यहाँ 3 बार
रह चुकी हैं, बीजेपी ने उनको बेटिकट किया और मतलब कह जो और आरजेडी ने उसको कैच कर लिया ऋतु जायसवाल के रूप में, उससे पहले भी बात होती है। आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मतलब वहां महिला जेडीयू की जो अध्यक्ष है मंजू देवी उनके पति उमेश शाह को आज आनंद मोहन एक तमाचा मारते और पलट के उमेश शाह भी उनको तमाचा मारते, वैसी स्थिति में उमेश शाह की इज्जत नहीं गई होगी, साथ नहीं गई होगी, साथ गई आनंद मोहन जी, क्योंकि वो पूर्व सांसद हैं, इज्जतदार हैं, सांसद के पति भी रहे हैं। ये वीडियो खेल पलटने में भी कारगर हुआ कि जो बैस उमेश शाह के चलते वो जेडीयू को वोट भी देते वहां, वो सब चल जाएगा ऋतु जायसवाल के पक्ष में। और ऋतु जायसवाल का जो वहां एक नारा है भाई आईएएस वाला की, भाई आईएएस की बीवी है और आनंद मोहन जी पे आईएएस को मारने का ही आरोप, हत्या का आरोप, उनका जो ये नारा है भाई आईएएस बनाने वाला चाहिए या आईएएस को मिटाने वाला चाहिए, तो यहाँ ऋतु जायसवाल का पलड़ा भारी है। और रमा देवी जी बीजेपी की सांसद है, बेटिकट की गई है, वो भी अभी जे लवली आलम के खिलाफ में है, तो यहाँ कुल मिलाकर ऋतु जायसवाल का पलड़ा यहाँ भारी है। अभी आपसे हमने चार सीट पे बात की, चार पे एनडीए का पलड़ा भारी है, चार में से दो पे एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है और दो पे गठबंधन का। अब हम बात करते हैं वैशाली की, वैशाली में तो वीणा देवी का जबरदस्त विरोध हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान, लोगों ने अपने आंगन तक और दरवाजे तक नहीं घुसने दिया। देखिए वीणा देवी लोजपा रामविलास की प्रत्याशी तो जरूर है, लेकिन ये वीणा देवी वही वीणा देवी है जो कि बुरे वक्त में चिराग पासवान को छोड़ के पारस के साथ चली गई थी, तो जनता ये सब समझ रही है, जो लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ टिकट लेने के लिए आई है, फिर अगर कहीं कोई टूट होगा तो फिर कहीं टूट के अपने स्वार्थ के लिए कहीं जा सकती है, निकल सकती है। अगर नीतीश कुमार, दूसरी बात इनके हस्बैंड जदयू के एमएलसी है, इनका कमान जो है जदयू के हाथ में रहता है, इसलिए इनका इस बार पूरा विरोध भी हो रहा है और यहाँ लोग ये धनवली को छोड़कर बाहुबली की ओर ज्यादा जा रहे हैं। बिहार को लगता है एक चांस मिलने वाला है, इसीलिए लगता है जो, और लग रहा है कि 1980 के बाद यहाँ फिर से भूमिहार सांसद, हम बहुत चर्चा कर रहे थे जो भूमिहार लगता है जगेगा तो 3 MP किसी भी पार्टी से कहीं से भी भेजेगा, ललन सिंह, आकाश सिंह, मुन्ना शुक्ला, अगर जगह तो अगिराज सिंह चार, तो ऐसी स्थिति में भूमिहार तो अभी राजपूत को दिया लोगों ने 60 टिकट, अब भूमिहार को तीनों चारों पार्टी मिला करके बहुत कम टिकट मिला, अब उसी में से अगर भूमिहार जबकि इसको अगर भेजता है तीनों चारों को तो एक भूमिहार मजबूत होगा, मतलब उसका कद ऊंचा होगा, उसका सर ऊंचा होगा, मनोबल बढ़ेगा। और मुझे तो लग रहा है कि बिहार में 4.5 भूमिहार जीत के जाएगा, आधा को सांभवी चौधरी तो आधा नहीं अब वो अरे ठीक है, तो आपके हिसाब से वैशाली भी गठबंधन एज में है। हाँ मां गठबंधन में हाँ। अब बात करते हैं गोपालगंज, तो गोपालगंज में कैंडिडेट ही कुछ नहीं है, वो जो VIPR कैंडिडेट है कोई, और जितना वहाँ आलोक सुमन जी का की छवि है, 6 डॉक्टर हैं हाँ। तो उनके छवि के आगे वो फेल है, और वहाँ कोई मिरेकल अगर होगा, जादू ही चलेगा तेजस्वी यादव का, तभी तो कुछ खेल वहाँ बिगड़ सकता, नहीं तो अभी तक भी कोई दिख नहीं रहा कि कोई दिक्कत हो। मतलब वहाँ पे भी NDA मतलब तीन छह हम लोग बात कर लिए हैं, तीन मतलब तीन आपके हिसाब से NDA और तीन महागठबंधन। तो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सीट है सीमांत की, यहाँ हमको लगता है जेडीयू लड़ाई में है ही नहीं, दिखी नहीं रही है। नहीं वहाँ जेडीयू ही लड़ाई में है, लड़ाई में अवध बिहारी चौधरी और लड़ाई से बाहर है जेडीयू और हिना साहब के बीच लड़ाई है, लेकिन यादव तो देंगे आखिरकार उन्हीं को वोट। जैसे यादव अगर देंगे तो वहाँ आप देखे होंगे कि विजया लक्ष्मी कुशवाहा के मंच पे कविता सिंह दिख रही है और कविता सिंह विरोध नहीं कर रही है, तो राजपूत आएगा ना सर इधर, ओम प्रकाश यादव बीजेपी के नेता भी हैं, ओम प्रकाश यादव बीजेपी के नेता है ना, तो क्या कुछ भी वोट विजया लक्ष्मी कुशवाहा के लिए नहीं ट्रांसफर करवाएंगे? आई जो बीजेपी पाल के रखा है नंद किशोर यादव, राम कृपाल यादव, सब जो यादव है, नित्यानंद राय, नवल किशोर यादव, ये कुल खाली गाड़ियां बांधने के लिए बीजेपी में यादव है, वोट के लिए यादव नहीं है, इसे अपने क्षेत्र से बाहर कहीं
कभी देखे नंदकिशोर कहीं प्रचार करते हुए, नवल किशोर को पटना से बाहर निकलते हुए, रामकृपाल को पटना से बाहर निकलते हुए, चैनल राय आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, समस्तीपुर, उजियारपुर, हाजीपुर, लेकिन इतना दूर नहीं जाएंगे, थक जाएंगे ना, थक जाएंगे, उसके बाद उनको पसीना भी आने लगेगा और बगल में तौलिया वाला चाहिए। अभी प्रधानमंत्री के दौरा होने के बाद कहा और कह दिया गया है कि, लेकिन आलोक जी आपसे एक बात हम पूछेंगे, जो रामेश्वर महतो रमेश कुशवाहा का पास्ट हिना का साथ तो नहीं दे रहा, क्योंकि 90 से लेकर 2000 की ईस्वी में है, जो कहें एक तरह से जो 90 से 2000 के बीच में जो रमेश कुशवाहा की जो वहां पर आतंक था जमीन पर लाल झंडा गाड़ना, उसी कारण से जो शाहबुद्दीन की उत्पत्ति हुई, नहीं नहीं उसी कारण से लोग शाहबुद्दीन के दरवाजे पे गए थे, ब्राह्मण भूमिहार जमींदार, और शाहबुद्दीन ने उनकी रक्षा की थी, और लगता है अब फॉरवर्ड तो लग रहा है जो अगर ये जीत गई तो फिर रमेश कुशवाहा का आतंक हम लोग को झेलना पड़ेगा, उसका फायदा हमको जो जानकारी मिली है उसका फायदा हिना साहब को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए एक चीज और कहा जाता है कि बीजेपी और एनडीए के पास वाशिंग मशीन है, जब इस वाशिंग मशीन से होके नेता निकलते हैं तो पूरी तरह फ्रेश होके निकलते थे, रमेश कुशवाहा का वो पास्ट था, अब प्रधानमंत्री के लिए प्रचार में आए ना भाई, तभी अभी स्वच्छ छवि हो गए होंगे, अमित शाह गए हैं मुख्यमंत्री यहाँ की जीरो टॉलरेंस नीति के साथ ही, हमारी तो बात कई लोगों से सिवान में हुई है, सिवान में शीत की चर्चा है, सिवान में रमेश कुशवाहा के पास की चर्चा है, लोग अतीत को लोग अब वर्तमान में देखना शुरू कर दिए हैं, अगर ये जीता तो ऐसे होगा, इसलिए इसका फायदा, क्योंकि अजय एक चीज चाहिए, शहाबुद्दीन वहां कैसे जीत रहे थे, बिना फॉरवर्ड वोट के तो जीते थे, सही बात है सर, शहाबुद्दीन को फॉरवर्ड मिलता था, क्यों मिलता था शहाबुद्दीन को, और एक चीज और है कि वहाँ हिना लड़ाई हिना साहब और विजयलक्ष्मी कुशवाहा के बीच में ही है, तो हो सकता है अगर फॉरवर्ड अगर हिना साहब के साथ गए थे लड़ाई मार लेगा। अब अंतिम सीट बात करते हैं महाराजगंज, महाराजगंज में अखिलेश के पुत्र आकाश सिंह और दो बार के सांसद रह चुके जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज गए थे कवर करने, लोग ये मतलब ये जरूर कहते थे जो विकास जितना होने चाहिए उतना हुआ नहीं, महाराजगंज के एमपी केवल छठ घाट बनवाने में ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मतलब वो वहाँ पे हिंदुत्व के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए हिंदू के रूप में छठ घाट ठीक है, अनुमंडल नहीं बना, स्टेशन आ गया रेल नहीं आई, कोर्ट बन गया जज नहीं पहुंचे, इस सब के लिए 10 साल काफी था सिग्रीवाल के पास, लेकिन अंतिम में लोग यहाँ पर आके रुक जाता है तो हम तो ऊपर देख के न दे रहे हैं वोट, मतलब ये सारी बातें कही उसने जो मतदाता ने, लेकिन लास्ट में आके हम तो ऊपर देख के मतलब पेट भूखे रहेगा, पैदल टेम्पो से चल जाएंगे हाजीपुर से छपड़ा, पैर में चप्पल नहीं हो चिलचिलाती धूप में सर पे टोपी होना चाहिए, सर पे टोपी होना चाहिए, यहाँ इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए महाराजगंज की लड़ाई भूमिहार वर्सेज राजपूत की लड़ाई ये पूरी तरह हो चुका है, और इस सीट से कांग्रेस में लगातार महाचंद्र सिंह चुनाव हारते रहे हैं, अभी महाचंद्र सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ घूम रहे हैं, महाचंद्र सिंह का वहां दबदबा रहा है उस क्षेत्र से 1980 से लेकर 2018 तक ये एमएलसी रहे हैं, तो इस नाते हमको नहीं लग रहा कि जनार्दन सिंह कुशवाहा सिग्रीवाल वहां कमजोर हैं, लेकिन आकाश सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, उनके पास पैसा है, तो पैसा तो सिग्रीवाल के पास नहीं, सिग्रीवाल के पास उतना नहीं है जितना इनके पास है, ठीक है, लेकिन सिग्रीवाल आज की रात कयामत की रात होती है, क्योंकि जो आकाश के जो वोटर है जो हमारे पास 4 लाख वोटर है लगभग बिहार, वो चुप है चुप है, इसके मतलब इसका मतलब उनके दिमाग कुछ खिचड़ी पकड़े थे, और वहाँ देखिए वहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे सच्चिदानंद राय, एक वक्त पे वो बीजेपी के साथ आ गए, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब 4 लाख भूमिहार है, 4 लाख में 2 लाख भूमिहार वोट तो ये भी एनडीए की तरफ आप दे रहे हैं, हाँ क्योंकि 4 लाख में 2 लाख में अगर टर्न अप करा पाएंगे आकाश तभी इनकी वहाँ स्थिति बड़ी अच्छी हो सकती है, हमको नहीं लगता है 2 लाख ही करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ अनिल शर्मा घूम रहे हैं कांग्रेस के, अनिल शर्मा ढाकर भूमिहार नेता कहे जाते थे ना, अब बीजेपी में है,
उनका तो हमने कोई बैकग्राउंड मतलब इस टाइप का नहीं है जो वो फील्ड में जाके लड़े हो कभी। लड़े लेकिन अच्छे वक्ता, वक्ता और नेता में अंतर होता है। नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं तो नेता तो हो गए हो स्थापित। विजय शंकर दुबे को वहाँ टिकट नहीं दिया गया है, उनका बेटा ज्वाइन कर लिया। वही बोल रहे हैं फील्डिंग तो आकाश के खिलाफ फील्डिंग हो रही है, आकाश के खिलाफ। प्रभुनाथ सिंह के बेटे जेडीयू में आ गए, वो भी कुछ वोट लाएंगे ना भाई, लाएंगे। सिग्रीवाल का जो विरोध था वो शांत हो गया ना, राजपूत जो विरोध। प्रभुनाथ सिंह कई बार एमपी भी रह चुके हैं। सिग्रीवाल जी का जो राजपूत में विरोध वोट 10-20 हजार होगा, एक अलग वोट होगा, वो तो सिग्रीवाल जी के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन एक चीज है, यहाँ जो राजनीति में जो आपके सामने ड्राइंग रूम में बैठा रहता है कुर्सी पर, वो आपके लिए बात तो करता है लेकिन आपके कमरे से बाहर निकलने के बाद आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो सही है। हाँ। ये बिहार की चीज है। सबसे बड़ी बात है कि महाराजगंज के जो स्थानीय कांग्रेसी है वो आकाश सिंह के टिकट मिलने से नाराज है, ना कि खुश है। हाँ, इसका भी प्रभाव वहाँ पूरा दिख रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे कि उनके पिताजी पकड़ पकड़ के कांग्रेस को नेता को ला रहे हैं। एक जो शायर है वो भी यहाँ आए थे, उसके बाद वहाँ दो तीन बड़े कांग्रेसी नेता का कार्यक्रम लगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अरे महाराजगंज में लगभग 4.5 लाख राजपूत है, बिहार 4 लाख है, ब्राह्मण 2,76,000 है, यादव 2.5 लाख है, कुर्मी कोयली एससी एसटी वेस्ट मिला के लगभग 4 लाख है, और मुस्लिम 1.25 लाख है। कागज पर तो आकाश सिंह को अगर जोड़ ले तो यादव और मुस्लिम हो जा रहा है 4 लाख। इसे 4 लाख हो रहा है लेकिन राजपूत वोट ब्राह्मण वोट राजपूत हम कहाँ जोड़ रहे हैं, हम कल यादव 2.5 लाख और मुस्लिम जोड़ रहे हैं 2 लाख। जो आपको छपरा की घटना का भी हम जोड़ रहे हैं, छपरा की घटना की असर महाराजगंज में दिखेगा, पूरा यादव यूनाइट हो जाएगा, मुस्लिम यूनाइट हो जाएगा, क्योंकि आप एक तो उनको रूट करते हैं रोहिणी को, फिर उसके पर FIR करते हैं, फिर उनके आदि समर्थक लोग मारे जाते हैं, फिर उनका बॉडीगार्ड निलंबित होता है। आज रोहिणी ने एक ट्वीट किया है, जो सायन को जो संभवी चौधरी के जो पति हैं और संभवी को इतना ब्लैक कैप कमांडो कहाँ से मिला हुआ, किस आधार पर मिला है, उसको लेकर के भी उन्होंने आज ट्वीट किया है। देखिए कुल मिलाकर ये स्थिति जो है, देखिए भूमिहार इसलिए भी आकाश को वोट नहीं करेंगे 100% क्योंकि ये लालू यादव के साथ, क्योंकि लालू यादव के नाव पे चढ़ना भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कास्ट के लिए सहज नहीं होता है। तो मुन्ना शुक्ला पे हुई, मुन्ना शुक्ला के साथ भी स्थिति होगी, लेकिन मुन्ना शुक्ला के साथ वहाँ बीना देवी से नाराजगी है। हाँ, इसका फायदा उनको जाता है। आप देख रहे थे महाभारत 2024, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कल जो होने वाला है मतदान, अब तो लगभग कहें जो 12 घंटे ही बाकी है, और 12 घंटे से पहले हम आलोक जी से बात कर रहे थे जो किस सीट पर क्या स्थिति है, किस गठबंधन की, किस कैंडिडेट की, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कहाँ कहाँ NDA आगे चल रही है, कहाँ कहाँ महागठबंधन आगे चल रहा है, इन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया जो क्या स्थिति है कल के सीट को लेकर के। कल फिर इनसे हम बात करेंगे, सामने फिर हमसे बात करेंगे, क्योंकि अगर वोटिंग ट्रेंड में अगर 2019 के मुकाबले चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वोटरों में उत्साह नहीं है जस की तस। इसलिए देखते रहिए भारत लाइव, कैसा लगा ये भारत 2024, आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।